क्योंकि आपको मालूम है कि अभी दुनिया के अंदर कई कंट्रियों में वाटर लेवल इतना, सी लेवल इतना हाई हो रहा है कि वो समय रहते उस पर अगर कुछ नहीं किया गया तो सारे के सारे शहर जो हैं वो समंदर में डूब जाएंगे। और अगर टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम नहीं किया गया तो अभी अमेजोन जंगल में आपने देखा कि किस तरीके की आग लगी है, उस आग को बुझाना सरकार के बस का नहीं है, इतनी जबरदस्त जंगल में आग लग गई। और वैसे तो समाजवादियों की बहुत पुरानी लड़ाई है जिसका जल जंगल और जमीन को बचाने की, परंतु हमारे देश में लोग बागों ने पैसे की ग्रीड जो है उसकी वजह से जंगलों को काटना शुरू कर दिया और पानी को दूषित करना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर भी जो है बड़े बड़े जो लैंड माफिया हैं वो उसके ऊपर कब्जा करने लग गए। तो इसलिए इसके ऊपर अभी हमारे देश के अंदर भी आपको मालूम है कि एक हमारी सामाजिक कार्यकर्ता नेता हैं वो लड़ रही हैं काफ़ी समय से, जो हमारा मध्य प्रदेश में जो बांध बनाने का काम सरकार ने किया था उसका वाटर लेवल हाई करने की बात की तो उसमें सैकड़ों गांव जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं, सारे के सारे लाखों हिंदुस्तानी जो हैं वो बेघर हो गए बच्चों समेत, जानवर भी जो हैं वो उसमें डूब के मर रहे हैं। और अभी वो भूखड़ताल पर थी मैदा पाटेकर, 7 दिन भूखड़ताल पर थी, सभी ने मिलकर उनकी भूखड़ताल को ख़त्म कराया क्योंकि उनकी सेहत बहुत ख़राब दिन प्रतिदिन गिरने लगी थी। हमने भी सरकार से आग्रह किया और उनसे भी आग्रह किया तो उनकी अभी भूखड़ताल को ख़त्म करवाया है, परंतु वहाँ पर जो साथी मेरे गए हैं जो गांव के गांव डूब गए हैं वो विनाश देखे बहुत दिल कांपता है। तो ये बड़े समय पर हमारे साथियों ने इसके ऊपर पहल की है, साउथ एशिया के सभी प्रतिनिधियों को बुलाया है और इस पर ट्रेड यूनियन का व्यू पॉइंट बड़ा क्लियर है। अभी हमारी ITUC की वर्ल्ड की जनरल सेक्रेटरी ने मैसेज आपको दिया है, वो 25 सितंबर को USA में वर्ल्ड मीट होने जा रही है, तमाम दुनिया के मजदूरों की तरफ से वो हमारी बात वहाँ पर रखेंगी। हमने अपनी तरफ से अपने व्यूज हिंदुस्तान की तरफ से उनको भेजे हैं कि हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन मूवमेंट को इस इशू क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम साथ में हैं, परंतु हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में तकरीबन 47 करोड़ वर्कर है और सिर्फ 7% ऑर्गेनाइज है, बाकी जो 93% है वो अनऑर्गेनाइज है, उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनके लिए कोई रहने के घर नहीं है और वो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं जहाँ पर ना उनके लिए पानी पीने का है, ना उनके लिए कोई ग्राउंड है, ना उनके लिए कोई हॉस्पिटल है और उनके बच्चे उसी ऐसे वातावरण में खेलते हैं कि वो बचपन में ही ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए ट्रेड यूनियन की हमारे हिंदुस्तान के जो हम 10 मजदूर संगठन एक प्लेटफॉर्म पर हैं जो देश की मजदूर की मांगों को लेकर पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं,